जैसे किसी से पूछे कि भैया अब भात कब तक खाओगे, अब ये कौन सी बात पूछ रहे हैं गुरुजी, रोटी कब तक चलेगा, बोला जब तक चोटी रहेगी तब तक रोटी चलती रहे, जब तक जिंदा है तब तक खाएंगे। तो रोटी तब तक खाओगे जब तक जिंदा हो, भात तब तक खाओगे, अन्न तब तक खाओगे। शरीर की पुष्टि के लिए अन्न भी ब्रह्म है, तो उस अन्न का ब्रह्म के रूप में सेवन कर रहे हो, तो मन की पुष्टि के लिए और इस मन के रोगों से मुक्त होने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व वेता होने के लिए आत्मा की एक खुराक श्रीमद् भागवत और सत्संग के लिए क्यों पूछते हो कि कितनी बार करनी है? जब तक जीना है तब तक पीना, जब तक जियो खूब पियो, छक के पियो। एक शराबी का शराब नहीं छुड़ा पा रहे हैं पूरी जिंदगी में, बुढ़ऊ भी हो जा रहे हैं तब भी आ रहा है मुझको यार माँ, अरे बाबा अब तो छोड़ दो, अरे अब तो मरना है, अब क्या छोड़ दें, पूरी जवानी पिया तो अब पी लेते हैं। वो मरते मरते भी नहीं छोड़ता शराब को। और कथा में पूछते हैं कि कब तक पिए, कब तक कथा सुने, कब तक सत्संग करें, कब तक गुरुदेव के पास आना होगा, ये कोई प्रश्न है? पूरी जिंदगी हर समय, और मजबूरी नहीं है, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये वही बात है। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ये ऐसे ही है। अगर जीवन में आनंदित रहना होगा तो नंदकंद नंद के लाला के कथा आपको सदा सुनना होगा, बलदाऊ की कथा आपको सुन। आनंदित रहना है तो सुनो, नहीं रहना मत सुनो। मजबूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है, तुम्हारे ऊपर कोई संविधान थोड़ी लादा गया है, ये तो धार्मिक संविधान है। धार्मिक संविधान मानने न मानने के लिए आप बाधित नहीं हो। मेरे गुरुदेव भगवान सदा कहा करते कि भैया सुनीति और सुनियम किसी को बाध्य नहीं करते। मानना है बड़ी अच्छी बात, नहीं मानना है और अच्छी बात। भारतीय संविधान नहीं है कि नहीं मानोगे तो राष्ट्रद्रोह में अंतर कर दिए जाओगे, अगर किसी धारा के विपरीत में पकड़ लिए गए तो जेल में डाल दिए जाओगे। ये धर्म की मर्यादाएं हैं तुम्हारे ऊपर, हां पर ये जेल दिखाई नहीं पड़ेगा, पर वो जो नरक के जैसा जीवन होगा वो तुम्हें जीना पड़ेगा। धर्म विहीन जीवन पशु की तरह होता है और पशु का जीवन पराधीन होता है। अगर धर्म विहीन जीवन जियोगे तो पशुता का जीवन जियोगे, कभी पूर्णानंद में प्रविष्ट नहीं हो पाओगे। बट ये चॉइस तुम्हारे ऊपर है, चुनो तो भी ठीक, न चुनो तो भी ठीक। कोई नहीं कहने जाएगा ए, कथा सुनो नहीं गोली मार देंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? ए, सत्संग करो नहीं बहुत मार मारेंगे, ऐसा सुना कभी किसी को? इट्स योर चॉइस। चाहो तो सिनेमा देख आओ, चाहो तो रबड़ी खाई आओ, चाहे तो घूम के चले आओ, मॉल से चले आओ, चाहे तो कथा में बैठ जाओ, कोई कोई बाध्यता नहीं है। पर धर्म पालन के बिना जीवन पशुवत है और पशु कभी आनंदित नहीं हो सकता। वो चारा वारा खा के कभी सुखी हो सकता है, फिर डंडा खा के दुखी हो जाएगा। तो अगर वो जीवन चुन लिया है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका जीवन, चुनाव भी आपका, आपका मत जिसको चाहे उसको दे, मतदान काला टीका लगवाइए, जिसको मन उसको दीजिए, आपका मत है, जबरदस्ती थोड़ी है। वैसे चुनाव भी आपका है, धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं या धर्म विरुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, ये भी चुनाव आपका है। कथा में बैठना चाहते हैं नहीं बैठना चाहते हैं, ये आपका मर्जी है। कथा में बैठ के भी इधर उधर कामिनी कांचन कुर्मी कलेवर कादंबर की बात करना चाहते हैं या व्यासपीठ से प्रवाहित हो रही तुम्हारे जीवन के अनंत समस्याओं के समाधान के रूप में श्री कृष्ण के इस महान ग्रंथ से, बल्कि श्री कृष्ण ही जो ग्रंथ स्वरूप आए हैं, उनमें से निकले सूत्रों को तुम एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे और अपने जीवन में आनंदित होगे, ये चुनाव भी तुम्हारा है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी की तरफ से। आप सब अपनी मर्जी से ही बैठे हो, अपनी मर्जी से ही आए हो, निमंत्रण भी सबको नहीं मिला होगा, सबके घर कार्ड थोड़ी गया है। पर विवाह में कार्ड न मिले तो नहीं जाओगे। पर भागवत तो अपना है, ठाकुर का है, ठाकुर जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। कार्ड फाट गए हो भाड़ में, कार्ड से कहा मतलब है हमें, ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही है, ठाकुर जी की दिव्य
महाराज सलीला बह रही है, पुण्य सलीला में हम भी जाके डुबकी मार करके आ जाए। गंगा जी में जाना होगा थोड़ा दूर जाना होगा, यमुना जी जाना होगा थोड़ा दूर जाना होगा, पर जरा देखो तुम्हारे बाजार में ही भागवत रूपी गंगा और यमुना का आगमन हो गया है। तुम तो यहीं बैठ करके स्नान कर सकते हो, मज्जन कर सकते हो, पान कर सकते हो, ये सब यहीं पर संभव है।